हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर जॉब अलर्ट। न्यू रिक्वायरमेंट आई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म्स वेलफेयर दिल्ली, कृषि भवन दिल्ली के अंदर जो है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के ऊपर भर्ती रहेगी। ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा आपको 30 जनवरी 2023 जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए काफ़ी कीमती रहेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर हम समय समय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन भर्ती की इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते रहते हैं। इसमें आपके जो है 5 पद जो हम मल्टी टास्किंग स्टाफ के रहेंगे, न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष रहेगी और 23,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा, 10वीं पास होना चाहिए। क्लर्क व डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है 21 वर्ष आयु होनी चाहिए न्यूनतम, और 31,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। स्नातक पास हो, 6 माह का कंप्यूटर का कोर्स या कार्य का, या 2 वर्ष का कार्य का अनुभव, वह 2 वर्ष का साथ में कार्य का अनुभव होना चाहिए। भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को जो है ये फॉर्म डिप्टी कमिश्नर रूम नंबर 351A कृषि भवन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्म्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, अपोजिट रेल भवन सेंटर स्कैटेड न्यू दिल्ली 11001 के पते के ऊपर आपको स्वस्थापित प्रतिलिपियों सहित केवल पंजीकरण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म पहुंचाना है। और फॉर्म को इस प्रकार पहुंचाना होगा कि आपका फॉर्म जो है 30/1/2023 से पहले फॉर्म आपका पहुंच जाए, अन्यथा आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। 30/1 के बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचा तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। आयु की गणना आपको अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। योग्यता रखने वाले आवेदकों को उक्त पदों के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वे इस प्रकार से रहेंगे। शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र लगाने आपको जितने भी हों, जन्मतिथि है तो 10वीं अन्य कोई प्रमाण पत्र आप साथ में लगा सकते हैं। अगर आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाना आपको, 1 सेवा का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा लगाना है साथ में, 1 आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी की प्रतिलिपि साथ में लगानी है, अनाप्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यदि आप सेवारत हो तो, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यदि आप पद से अनुभव आवश्यक हो तो, एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ में पोस्ट का नाम और कैटेगरी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में फॉर्म फिलअप करना है। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी कटिंग या और कटिंग नहीं करनी है, अन्यथा आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। भर्ती के जो सभी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे। केवल शॉर्टलिस्ट आवेदकों को ही साक्षात्कार के बारे में सूचित किया जाएगा। वर्तमान में संविदा केवल 1 वर्ष के लिए की जाएगी, आवश्यकता अनुसार इसे घटाया व बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जो आप 31 दिसंबर के रोजगार समाचार पत्र में आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। थैंक यू गाइस वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल फ्यूचर जॉब अलर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।